दोस्तों, कॉप यूनिवर्स सिंघम के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिंघम 1 और सिंघम 2 के बाद अब सिंघम 3 की भी बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई नजर आ सकती है। अब आपको बता दें दोस्तों, रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी के दौरान मीडिया से बात करते हुए अब काफ़ी कुछ कहा है और अपनी फिल्म को लेकर उन्होंने आखिरकार पुष्टि कर दी है कि आखिरकार ये फिल्म कब आएगी। तो अगले साल अप्रैल महीने में ये फिल्म फ्लोर पर आने के लिए कहा जा रहा है। हाल फिलहाल तो अपनी फिल्म सर्कस की शूटिंग में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त हैं रोहित शेट्टी, लेकिन अब कॉप यूनिवर्स के अंदर सिंघम 3 को भी वो जोड़ते हुए नजर आएंगे। जहां सिंघम 1 सिंघम 2 के बाद हमें देखने को मिला था सिम्बा और सूर्यवंशी, अब कॉप यूनिवर्स के अंदर सिंघम 3 की वापसी होगी। अब सिंघम 3 की जो कहानी है उसे वो पूरी तरीके से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कहानी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की मैंने सोची और इस कहानी को बहुत बड़ा बनाने की मैं सोच रहा हूँ। देखना होगा कि ये फिल्म कैसी निकल कर सामने आती है। कहानी अगर सबको पसंद आती है तो इस पर जल्द ही शूटिंग शुरू कर देंगे। अब सिंघम 3 के अंदर अगर आपको बता दें तो सिम्बा और सूर्यवंशी का भी रोल देखने को मिल सकता है। इस बात को लेकर खुद रोहित शेट्टी भी एक्साइटेड है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बता दें और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल। देखो देखोगे।